डिटेल नंबर वन, जब एक पुलिस वाला बाहर संगिनी ने लाया हुआ खाना खाने राजा कन्ना को लेके आता है, तब पीछे तमिल में लिखा है, पुलिस डिपार्टमेंट आपका दोस्त है, जो शायद पुलिस वालों के बिहेवियर में फर्क दिखाने के लिए हाईलाइट किया है। डिटेल नंबर टू, इस सीन में टीचर एडवोकेट चंद्रू जी को बोलती है कि उन लोगों को नंबर्स पढ़ने नहीं आता तो वो फोन कैसे करेंगे। बात जरा गौर से सुनिए प्लीज, इरटपन के फोन करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि राइस मिल वर्कर्स को मैं पढ़ाया करती थी, वहाँ सबके सब अनपढ़ हैं, कोई संख्या भी नहीं पढ़ सकता, तो वो एसटीडी कोड डायल करके किसी को फोन कैसे कर सकता है। और तभी एडवोकेट चंद्रू संगिनी से पूछते हैं कि फोन कब आया था, तब वो बोलती है, राइस मिल के मालिक ने कहा था फोन कब आया था, उसी दिन पूर्णिमा के एक दिन पहले। यहाँ उन्हें फोन नंबर्स के साथ साथ तारीख, जो अगेन नंबर्स ही होते हैं, वो भी पता नहीं है, लॉजिक सही से दिखाया है। तो दोस्तों, ऐसे ही 30 हिडन डिटेल्स हमने जय भीम इस फिल्म में नोटिस किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 21 डिटेल्स के ही बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, और इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली दंग रह जाओगे, इतनी बारीकी से इस फिल्म पे डायरेक्टर की पूरी टीम ने काम किया है। और ऐसे ही हिडन डिटेल्स वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिटेल नंबर 3, यहाँ इस पुलिस का ये बिहेवियर आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन यहाँ एक रीजन था। आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि पीछे राजा कन्ना का ब्लड साफ किया जा रहा है, जो यहाँ क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है, और इसीलिए वो संगिनी को अंदर आने से रोक रहा है। डिटेल नंबर 4, फिल्म में एनिमल्स के रेफरेंस बहुत जगह पे लिए है, नाग यानी इरुला ट्राइब और इंसान यानी अपर कास्ट वाले लोग। कैसे, देखिए, इरुला ट्राइब वाले नाग को शुभ और अपना रक्षक मानते हैं। जब राजा कन्ना सरपंच के घर नाग पकड़ने जाता है, तब सरपंच उसे बोलता है, सांप के साथ घर बसाओगे क्या, अरे मार के फेंक दे। सरकार, इसे मार के क्या फायदा, ऊपर वाले ने इसके दांत में जहर दिया है तो इसमें इसका क्या कसूर, बोलिए। यानी उसके मुताबिक नाग होना ही उसका गुनाह है, जिसके वजह से लोग उसे मारते हैं, जो फोरशैडो करता है इरुला जमाती को। उनका भी यही गुनाह है कि वो इस जाति में पैदा हुए। गलती क्या है इनकी, यही कि ये पैदा हुए। यहाँ भी नाग यानी इरुला ट्राइब वालों को इंसान यानी अपर कास्ट वाले लोगों से खतरा है, ये बताने की कोशिश की है। और यहाँ इसीलिए राजा कन्ना बोलता है, देख भाई, मनुष्यों से दूर रहने में ही तेरी भलाई है, क्या जाके नागिन ढूंढ ले। यहाँ एडवोकेट चंद्रू को आउल का रेफरेंस दिया है। यहाँ जब भी कोई बुरी घटना होने वाली होती है, तब आप आउल को नोटिस कर सकते हो। यहाँ उनके घर की दीवार गिरती है, और यहाँ राजा कन्नू को पकड़ने पुलिस आती है। एडवोकेट चंद्रू हर बार उनके साथ हुई नाइंसाफी को देखते हैं, और यहाँ भी एडवोकेट चंद्रू के इंट्रो में आप उनके पीछे आउल देख सकते हो, और एंड में दोनों भी घटना में उन्हें इंसाफ मिलता है, जो एडवोकेट चंद्रू के वजह से ही मिलता है। डिटेल नंबर 5, यहाँ एडवोकेट चंद्रू के घर हमें नाग देवता की स्टैचू दिखती है, जो फोरशैडो करता है कि एडवोकेट चंद्रू संगिनी के लिए एक रक्षक है, जैसे इरुला जमाती के लिए नाग देवता। डिटेल नंबर 6, यहाँ हम ये बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ तमिल में लिखा है, मैं कोई भगवान नहीं, इसीलिए यहाँ फूल माला लेके मत आना। और एक्चुअल में जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, एडवोकेट चंद्रू, उनके ऑफिस के बाहर भी ऐसा ही बोर्ड है। डिटेल नंबर 7, एडवोकेट चंद्रू रियल लाइफ में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, और इसीलिए फिल्म में बहुत जगहों पर उनके रेफरेंस है। गांधी नेहरू जैसे बड़े नेता हैं यहाँ, अंबेडकर दिखाई क्यों नहीं देते। डिटेल नंबर 8, यहाँ हमें डॉक्टर अंबेडकर जी के स्पीच का एक पार्ट सुनने मिलता है। वी वांट अनटचेबिलिटी टू बी अबॉलिश्ड, वी हैव बीन कैरिंग ऑन विद अनटचेबिलिटी फॉर द लास्ट 2000 ईयर, नोबडी हैज बॉदर्ड अबाउट इट। डिटेल नंबर 9, यहाँ एडवोकेट चंद्रू के लेफ्ट में डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो है, और उनके ही साइड यानी लेफ्ट में ही वो मुड़ते हैं, जो फोरशैडो करता है कि एडवोकेट चंद्रू अंबेडकर जी के दिखाए हुए राह पे चलते हैं। डिटेल नंबर 10, एडवोकेट चंद्रू हमेशा अपने आइडल डॉक्टर अंबेडकर जी के जैसा ही राउंड फ्रेम का चश्मा पहनते हैं। डिटेल नंबर 11, यहाँ एडवोकेट चंद्रू के पीछे कार्ल मार्क्स का स्टैचू है, जो एस्टेब्लिश करता है कि वो भी कार्ल मार्क्स की तरह सोशल जस्टिस और कम्युनिज्म पे विश्वास करते हैं। डिटेल नंबर 12, यहाँ एक एकदम अलग टाइप की गौतम बुद्धा की स्टैचू है, जिसे फास्टिंग बुद्धा भी बोलते हैं, जो एक रिप्रेजेंटेशन है नेवर गिव अप एटीट्यूड का, जो इस फिल्म की पूरी थीम को एक्सप्लेन करती है।
डिटेल नंबर 13। यहाँ संघिनी पहली बार जब कोर्ट में आती है तब आप ये स्टैचू देख पाते हो। ये स्टैचू है चीफ जस्टिस मुथुस्वामी अय्यर जी का, जो मद्रास हाई कोर्ट के पहले इंडियन जज थे जो ब्रिटिश राज में अपॉइंट हुए थे। और ये स्टैचू सिर्फ जब संघिनी पहली बार कोर्ट आती है तब भी दिखाया है, और ये इम्पोर्टेंस बताया है उसके फर्स्ट टाइम कोर्ट आने का। डिटेल नंबर 14। इस फिल्म में 1995 का टाइम दिखाया है, तो उस टाइम के भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, जैसे गाड़ी के नंबर्स। डिटेल नंबर 15। 1995 के रेफरेंस के तौर पे यहाँ इस कंप्यूटर में विंडोज 95 का लोगो आप देख सकते हो। डिटेल नंबर 16। 1995 के रेफरेंस के लिए तमिलनाडु के फेमस डाकू वीरप्पन का जिक्र यहाँ आप सुन सकते हो। वीरप्पन की तलाश में उन पहाड़ों पर टास्क फोर्स ने न जाने कितने ट्राइबल्स के साथ हिंसा की, और यहाँ देख सकते हो। डिटेल नंबर 17। अब बात करते हैं डिटेल टाइमलाइन की। यहाँ दो टाइमलाइंस है, जहाँ एक टाइमलाइन में एडवोकेट चंद्रू का इंट्रो होता है, वहाँ आप नोटिस कर सकते हो यहाँ मई दिख रहा है, यानी जज की तरफ अप्रैल का मंथ ओपन है, तो ये इंट्रो सीन अप्रैल 95 का है। यहाँ भी जहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा है आप डेट देख सकते हो, 26 अप्रैल है, और इस प्रोटेस्ट के दौरान संघिनी एडवोकेट चंद्रू से मिलती है, ये 27 अप्रैल है। और दूसरी टाइमलाइन संघिनी की है, जो फेब 95 से शुरू होती है। यहाँ आप 3rd फेब 95 नोटिस कर सकते हो, और 6 अप्रैल को राजा कन्नू जेल से मिसिंग हो गया ऐसा नाटक पुलिस चालू करती है, और फिर दोनों टाइमलाइन मिल जाती है इस प्रोटेस्ट के दौरान, जहाँ संघिनी एडवोकेट चंद्रू से 27 अप्रैल को मिलती है, और जब केस चालू होता है यहाँ हम देख सकते हैं अप्रैल दिख रहा है, यानी मई महीना चालू होगा, जब वो लोग केरला जाते हैं राजा कन्नू को ढूंढने। एक कॉल केरला के किसी पब्लिक फोन से आया है, सच्चाई का पता लगाने वहां जाना होगा। तब 4 जून डेट था, फिर केस जुलाई में स्टार्ट होता है, और ये अगस्त जब पेरुमल स्वामी का इन्वेस्टिगेशन चलता है, और जब फाइनल फैसला आता है तब हम देख सकते हैं अगस्त सामने है, मतलब सितंबर चल रहा है, तो पूरी फिल्म फेब से लेके सितंबर की टाइमलाइन में चल रही है। डिटेल नंबर 18। संघिनी की टाइमलाइन बहुत पहले से चालू होती है, यहाँ पार्टी ऑफिस में वो मदद मांगने जाती है, और उसी में आप ये पोस्टर देख पाते हो, फिर बाद में यहाँ एडवोकेट चंद्रू ये पोस्टर लगा रहे होते हैं, तब सेम पार्टी वाला पोस्टर आप यहां देख पाते हो। डिटेल नंबर 19। फिल्म के स्टार्ट में एडवोकेट चंद्रू और आईजी पेरुमल स्वामी के आइडियोलॉजीज और सोचने के तरीके में बहुत फर्क होता है, जो यहां विजुअली डायरेक्टर ने दिखाया है, और जब उसी सीन में चंद्रू वहां से जाते हैं तब भी पेरुमल स्वामी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उन्हें उसी फ्रेम में वापस दिखाया है, लेकिन फिल्म खत्म होते होते ये फर्क बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए इस फ्रेम में आप नोटिस कर सकते हो दोनों को एक ही जैसे एलिमेंट्स के फ्रेम में रखा है, और दोनों के बीच जो प्रोमिनेंट डिवाइडर था उसे हटा दिया है। डिटेल नंबर 20। डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से हर बार इमोशनली टच करके जाता है। इस सीन में राजा कन्नू अपनी बेटी अली को फैन बना के देता है, अली उसी फैन को यहाँ देखती है क्योंकि उसे अपने पिता की याद आ रही है। यहाँ राजा कन्नू अपनी बेटी से खेल रहा है, वैसे ही सेम चंद्रू भी खेल रहा है। यहाँ डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि अली चंद्रू को अपने बाप की जगह मान रही है। डिटेल नंबर 21। यहाँ इस सीन में शिक्षा का अधिकार इरुला ट्राइब से छीनने की बात हो रही है। तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो दुनिया नहीं चलेगी क्या? लेकिन यहाँ लास्ट सीन में अली यानी इरुला की आने वाली पीढ़ी को भी समान शिक्षा का अधिकार मिले ये बताया है। दोस्तों और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।